रिकॉर्ड हो गया आपको, ठीक है, इससे पहले का लिखा ही काम नहीं किया। हाँ So, आपको अभी आवाज आ रही है? अभी क्या बेटा, आवाज आ रही है क्या? बोला मेरी इसपे ही? हाँ तुम्हारी आवाज तो आ रही है, सर? नहीं, आ रही ना? अच्छा उस वक्त माइक चल ही नहीं रहा था। ठीक है, ओके। ये वीडियो यहाँ से देखने को मिलेगा, इसके पहले की रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ यहाँ से देखने को मिलेगा ये वीडियो, इसकी पहले की रिकॉर्डिंग मिस हो गई, ध्यान से। समझ गए इतना? हेलो, यस सर, यस सर। सर वो 1 मिनट, इसको लिख लो पहले, मैं रुका हुआ हूँ, तुम लोग इसको लिख लो पहले। यस सर। उसको वो याद ही करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देख, वेलोसिटी का या चेंज इन यस वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा रहेगा बेटा, दैट इज L1T-1, यस सर। ठीक है, समझ गया? यस सर। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा रहेगा, ऑन टाइम, टाइम के लिए T1। सॉल्व कर ले अब उसको, देख अब उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड। कुणाल तुमको समझ रहा है, आज पहला दिन है ना कुणाल तुम्हारा? चलो अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन उनको, तुम लोगों को लिखना है डायमेंशनल फार्मूला उनके। पेज नंबर 4 डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, अभी फोर्स का लिखना, फोर्स के बाद में लिखना वर्क एंड एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का एक जैसा बनेगा डायमेंशनल फार्मूला। फिर आप लिखो पावर का ई, फिर देखो प्रेशर का, सिंबल आर द सेम फॉर प्रेशर एंड पावर। चलो बताओ जरा, कोई सोच सकता है क्या आना चाहिए इनके डायमेंशनल फार्मूला क्या है? हेलो, किसी ने सोच पाया डायरेक्ट? यस सर। बताओ क्या आना चाहिए? सर M1 L1 T-2 ये किसका है? यस, फोर्स। फोर्स हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का अपन ने पिछले पेज पे देखा था, देख लो एक बार, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एसिलेशन। मास के लिए M1 और एसिलेशन के लिए L1 T-2, सो द डायमेंशनल फार्मूला इज M1 L1 T-2, दैट इज फोर्स हैव वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। समझ गए कि नहीं? उसके बाद वर्क एंड एनर्जी का देखो, अभी वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, M1 हाँ वर्क या L2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो ना, यस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स के लिए आ गया तुम्हारा M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर और ऐड हो जाएगी, M1 L की पावर 1 + 1 T की पावर -2, सो द डायमेंशनल फार्मूला इज M1 L2 T-2। समझ गए कि नहीं? समझ गए?
सर एक बार रिपीट कर दो, तू एक बार देख ले बस, पहले समझ ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, तू देख ले एक बार, यहाँ पे देख एक बार अच्छे से देख, फिर भी नहीं आएगा बताऊंगा, एक बार देख ले। आगे अभी कि नहीं? यस सर। वर्क इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन ये याद रखना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ये यूज कर दिया अपन ने और डिस्प्लेसमेंट के एल वन लिख दिए, तो L1 वाली बेस तो उनको सेम दिख रही थी, इसलिए फॉर्मूले में M1 L2 द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2 बचा, समझा? यस सर। अभी पावर, पावर इक्वल्स टू पढ़े थे अपन ने, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम है ना, कल पढ़े थे ना, तो वर्क के लिए m1 l2 t माइनस 2 और फिर से टाइम के लिए नीचे डिनोमिनेटर में t1, m1 l2 t माइनस 2 t माइनस 1, सो द आंसर इज m1 l2 t माइनस 3, समझ गए कि नहीं? हेलो देखो, समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। अभी प्रेशर के लिए, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए m1 l1 t माइनस 2 और एरिया के लिए l2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे m1 l1 और l को साथ में लिख देते हैं, l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, m1 l1 l की पावर माइनस 2 और p की पावर फिर से माइनस 2, हाँ तो पूरा सॉल्व कर लो अभी, m1 l की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? yes, किसी को कोई डाउट? yes, है कोई डाउट? डाउट है क्या? देख लो अभी। नो सर। पक्का? यस सर। नहीं है ना डाउट, समझ गए ये पूरा? यस सर। क्लियर हो गया पूरा? सर नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ तो एक बार दोबारा री एंटर कर ले, नेटवर्क इशू आ रहा था। और इनको ना याद रखना है, अभी देखो फोर्स वर्क और या एनर्जी एक्सीलरेशन वेलोसिटी ये बार बार यूज होते हैं, तो इनको पूरा आपको क्या करके रखना है, याद करके रख लेना है, हाँ ये बार बार यूज होते हैं, कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपके बार बार रिपीट होते हैं, उनको याद करके रख लो कि इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, हर बार अपन डिराइव करते नहीं बैठेंगे या हर बार इस पैसे निकालते नहीं बैठेंगे, ठीक है? कुछ के डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल याद कर लो कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो जैसे देखो पेज नंबर 5, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L1 T माइनस 1, ठीक है? दूसरा एसिलेशन, एसिलेशन मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया जाएगा इसमें, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया जाएगा, हाँ कोई भी एसिलेशन हो, एसिलेशन और जी जो सिंबल यूज करते हैं ग्रेविटी वाला है ना, इनका डायमेंशनल फार्मूला L1 T माइनस 2, जिसकी पावर जीरो है उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तीसरा आपका आ गया फोर्स M1 L1 T माइनस 2 एंड वर्क एंड एनर्जी, ये बार बार यूज होते हैं, वर्क एंड एनर्जी M1 L2 T माइनस 2, ये बार बार यूज होते हैं इतने, तो इनको याद रख लो बिल्कुल, ठीक है? अपन ने निकालना सीखा अभी कि कैसे इनको निकालते हैं,
बट ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इसलिए आप इनको याद रखो बिल्कुल, ठीक है। एंड अब यहाँ पे कुछ और के डायमेंशनल फार्मूला लिखना, कुछ और एग्जांपल ले रहा है, इनके लिख के बताना क्या आएगा। दैट इज मोमेंटम टी कितना होगा, मोमेंटम के बाद आप लिखो इंपल्स, ये दो का लिख के देखो क्या आएगा, मोमेंटम एंड इंपल्स लिख के देखो जरा क्या आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, मोमेंटम एंड इंपल्स का। m1 l1 t minus 1 कितना बेटा, मोमेंटम दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ना, अब तो निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी m1 m1 l1 t minus t minus 1 m1 और वेलोसिटी का देखो l1 t minus 1, so the dimensional formula is m1 l1 t minus 1 और impulse के लिए कल क्या पढ़ाया था मैंने, that is force into time, force into time, right, force into time, समझ गए। अभी बताओ क्या होना चाहिए फोर्स के लिए, है आपके पास m1 l1 t minus 2 और टाइम के लिए हो गया t1, so this is m1 l1 और पावर माइनस टू पावर प्लस वन, तो सॉल्व करने पे माइनस वन बच रहा है, मतलब मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसा आया, सेम आया। अरे समझ गए कि नहीं, मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ गया, समझ गए। हेलो, समझ गए, यस सर। कोई डाउट अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देखते हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सर, अटक अटक से चल रहा है। नहीं इधर से नहीं है दिक्कत, तुम्हारे एंड पे होगी थोड़ी बहुत दिक्कत, इधर से नहीं है, तुम्हारे एंड पे हो सकती थोड़ी, अच्छा अच्छा तुम्हारे एंड पे हो सकती है, इधर से नहीं है। ठीक है, समझ गए इतना। हेलो, समझ गए, यस सर। अभी पेज नंबर 6, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट द dimensional formula of capital G. What is capital G here? Capital G is gravitational constant. Gravitation. This is gravitational constant. ठीक है, चलो बताओ जरा क्या होना चाहिए इसका dimensional formula. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का बोलो। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ तो अभी देखो, आपके पास फार्मूला याद है ना, फोर्स इक्वल्स टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं,
जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है पढ़े थे ना, अगर ये दो बॉडी है कोई दोनों का मास एक का मास एम वन एक का मास एम टू तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करती है डिस्टेंस है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ गए ना ये फॉर्मूला, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा या टेंथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। हाँ, तो जो सीबीएसई वाले बच्चे उनने शायद नाइन्थ में पढ़ा होगा और जो स्टेट बोर्ड वाले उनने टेंथ में पढ़ा होगा। हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ यस, ओके। देन अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इसको अगर और सिंपलीफाई करते हैं अपन, तो मैं G इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। अब आप देखो यहां से ना आप इसकी यूनिट भी समझ सकते कि इसकी यूनिट क्या आती है, फोर्स की यूनिट होती न्यूटन, डिस्टेंस की हो गई मीटर स्क्वायर और मास की केजी इंटू केजी, और आपको पता है कि कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 × 10⁻¹⁻ and it is a newton meter square per kg square, याद आएगी नहीं ये वैल्यू होती इसकी, तो ये फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये यूनिट है। अब ये यूनिट समझ गए होगे कि क्यों अपन ने ऐसा लिखे इस यूनिट को, क्लियर हो गया कि नहीं, यूनिट समझ गए क्यों लिखे, देखो ये इस तरह से लिखी गई है यूनिट और ये SI सिस्टम पे लिखी गई है, आप इसको CGS सिस्टम पे भी लिख सकते हो, CGS सिस्टम पे भी यूनिट बन जाएगी इसकी, ठीक है। एंड नाउ अब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं फोर्स के लिए, क्या है डायमेंशनल फार्मूला आपके पास में, m1 l1 t माइनस टू और ये r क्या है डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा l स्क्वायर और फिर मास के लिए एक बार और m1 और फिर एक बार और m मतलब पावर 1, दोनों मास के लिए m टू द पावर 1 और m टू द पावर 1, एक अलग अलग बॉडी के मास अलग अलग होंगे लेकिन उनका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा ही होगा, m से ही डिनोट होगा डायमेंशनल फार्मूला, समझ गए कि नहीं, ये पेन का मास अलग होगा, ये गैस का मास अलग होगा, ये इसका मास अलग होगा, बट ऑल हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला और सेम डायमेंशन दैट इज इक्वल्स टू m। तो अब आप इस स्टेप को सॉल्व कर लें तो आपको क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकल जाएगा, देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, m माइनस 1 है, देख ये एक टर्म कट जाएगा, ये ऊपर आएगा तो m की पावर माइनस 1 और l की पावर, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है तो l की पावर 3 और t की पावर कितना आएगा बेटा माइनस 2, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, समझ गए कि नहीं, अरे समझा कि नहीं, समझ गए सर। कोई डाउट है इस पे, डायमेंशनल फार्मूला और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट? नो सर। नहीं है? नो सर। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्या? क्या बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख दोगे तो और अच्छा है। ओके सर। स्कूल एग्जाम में तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना अगर आते हैं तो, बट कंपटीशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें तो आपको ऑप्शन चुनने पड़ते हैं बस, है ना, समझ गए कि नहीं? हां सर, ऑप्शन चुनने पड़ते हैं। देखो कंपटीशन में क्या रहता है ना कि जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, अभी मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये मिटा दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस।
देखो अभी कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आते हैं, दिस इज पेज नंबर 7, वो किस टाइप से आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑप्शन दिए हुए, एक पहला ऑप्शन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है पावर एंड प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में वर्क एंड एनर्जी, और चौथा ऑप्शन है मोमेंटम एंड इंपल्स। ठीक है, ये पावर एंड प्रेशर, तो ये एक क्वेश्चन बन गया, मतलब कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में बनता आपका तो क्या करते, वो पूछते राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। जबकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया, मान लो ये क्वेश्चन आपका नीट के लिए हो गया, है ना, नीट या जेई, हालांकि जेई में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ये तो बेसिक है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया यहाँ पे एनडीए एक्सेट्रा, ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन हो गए। जबकि एक क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी टू। अब इसमें दे दिया आपको किस किस के लिखने के लिए, पावर, फोर्स एंड सपोज लिख दिया यहाँ पे वर्क, किसी दो का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, कोई दो भी नहीं। ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, मान लो बोर्ड में ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आ गया आपका, 1 मार्क के लिए आ गया, तो 2 के लिए लिखना मतलब आधा आधा मार्क के लिए रहेगा, फिर एक का आंसर आधा मार्क और दूसरे वाले के लिए आधा मार्क, समझ गए ना। तो आप यहाँ पे एसेस करो कि कंपटीशन का जो पार्ट है वो बोर्ड को पूरा करने के बाद ही आगे जाते हैं। मैंने यहाँ पे पहले पूरा तुमको लिखना सिखाया नहीं सिखाया, कंपटीशन का जो पार्ट होता है वो बिना, ऐसा नहीं कि हम बोर्ड को छोड़ दें सिर्फ कंपटीशन का पढ़ लें, ऐसा होता ही नहीं है कभी। मैंने ये सब आपको लिखना सिखाया और फिर ये क्वेश्चन बने यहाँ पे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर नीट जेई एनडीए एक्सेट्रा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन डाल दूं मैं, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सो एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2 या -1, और फिर है एम की पावर 1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, सी ऑप्शन है एम की पावर 1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, डी ऑप्शन है None of these, कोई भी नहीं, समझ गए कि नहीं। So this is the question for NEET and JEE and NDA etc. ये question होगा आपका इसका लिए। और board में ये question अगर आता for board exam तो ये क्या आता, that is write the dimensional formula of capital G, मतलब gravitational constant। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? बताओ। Yes, sir। तो देखो बोर्ड और जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन होती है वो अलग अलग नहीं होती अल्टीमेटली। हाँ, कॉम्पिटिशन में हमको थोड़ा और एप्लीकेशन पार्ट में जाना पड़ता है, जनरली बोर्ड में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं, बट कॉम्पिटिशन में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली बोर्ड का लेवल आपका कवर होता है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि हर चीज बतानी पड़ती है। लेकिन सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते तो सुपरफिशियल स्टडी होती है, मतलब 2-4 चीजें बता दी उसके बाद छोड़ दी जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए बेटा A to Z बताना पड़ता है जितना बुक में लिखा हुआ है, समझ गए कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
और अभी आप बोर्ड के पैटर्न देखो तो ऐसा थोड़ी कि सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, इस तरह से मिलते हैं क्वेश्चन। तो बोर्ड का प्रिपरेशन को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सेकेंड ऑप्शन आएगा करेक्ट इसका, बी ऑप्शन। एंड यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट है, थर्ड मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप क्या करते हो, ये इस तरह से गोला लगा देते हो, टिक कर देते हो, और अगर ये इस तरह से आप गोला लगा देते हो, समझ गए। हेलो, कोई डाउट अभी? अरे कोई डाउट है? यस सर। हाँ बता क्या डाउट। नो सर, नो सर, नहीं है।